सर, मैं आपको शुरुआत शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपके अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर, आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको दो टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिफिकेशन रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सेकेंडली वाई आई से डज नॉट रैशनल नेक्सस, बिकॉज द सेम थिंग यू, सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन एनी वे रीजनेबली लिंक टू द प्रपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल। थर्ड पॉइंट सर, कंप्लीट कर, थर्ड पॉइंट सर, बिकॉज पनिशमेंट सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, लास्टली सर, सर व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं, 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर, सर सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप, बताइए आप, क्या ये गलत हो रहा है सर? खिलाफ आप हैं, बताइए आप, बताइए आप, क्या ये गलत हो रहा है सर? माननीय रविशंकर प्रसाद जी, सर पिछले दिसंबर में हमने इस बिल को लोकसभा से पारित किया था और राज्यसभा में पेंडिंग था सर, लेकिन क्योंकि ये हाउस का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्लीज सिट डाउन, अतः प्लीज सिट डाउन, अतः सर नो 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 नो, आप पहले प्रस्ताव देते, नो ना, नो, नो अभी दिया आपने, अभी दिया आपने, टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड नहीं, अभी दिया आपने, टाइम बाउंड है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। माननीय रविशंकर जी, आई वॉन्ट लेट स्टॉप, नो ही हैज नॉट। तो सर आज द चेयर नॉट टू मी, आज द चेयर नॉट टू मी, सदस्य सदन पे, जिस भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया था मैंने सबको मौका दिया। माननीय सदस्य आपने ये कागज टाइम बाउट दिया है, इसलिए मैं माननीय रविशंकर जी